you ask me the question, a person who truly believes in God and a little bit confused from his heart and yet doesn't believe in Prophet Muhammad, will he go to heaven or hell? That's your question. My question is, he is clear that there is one God. Clear there's one God. He is confused in the prophethood. He does not do idol worship. He does not do that. He believes in one God and does good deeds and believes in the last day. Can he go to Jannah is your question? Yes. Fine. This answer, and I'll come to your last question also about that Islam is only way of life. Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 48 and Surah Nisa chapter 4 verse number 116, if Allah pleases, He may forgive any of your sin, but the sin of shirk He'll never forgive. Okay. If Allah pleases, He will forgive any sin, but the sin of shirk He'll never forgive. Yeah. This means the only sin that God will never forgive 100% is associating partners with God. Sure. Okay. So if you believe in one God, don't associate partners, but do not believe in Prophet Muhammad. Can you go to heaven? Yes. Chances are there very bleak. Okay. Maybe 0.00000001%. I can't say 100% no, because if you're not doing shirk, other verses talk about Prophet Muhammad, peace be upon him. Yeah. So if you truly believe, you have to believe in Prophet Muhammad. Yes. But if you ask me no, suppose I believe in God and if I die today. Yes. If you did good deeds, you believed in God, chances are there very, very little. Like if you jump from the 100th floor, chances you live is there? Yes. How much are the chances? How much are the chances? Of getting saved how in much that state. It? So if you jump from the Burj, Burj of Dubai. And then you're going to go to hell. Then you're going to die. Not die. Can you live? Yet you can live. Chances is 0.001%. Yes. So the same chances. कुछ वक्त कई अहम मार्के टाइम के ऊपर सही हदीस मौजूद नहीं थी, तो मौजूद नहीं होने के वजह से जो उन्हें फतवे दिए, और आज साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से सब हदीस आपके पास इजीली किताब में मौजूद है, सही हदीस आपको मिल सकती है सीडी रोम के ऊपर, अभी और आसानी है तहकीकात करने में। तो हमें यह देखना चाहिए कि जो भी फतवे दिए है कोई भी बड़े आलिम ने, हमें यह चेक करना है कि कुरान और हदीस से मिलते है क्या नहीं। जहां तक कि आमीन कहने का सिलसिला है, सही बुखारी की हदीस है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सूरह फातिहा खत्म होने के बाद आमीन जोर सा कहिए, तो आमीन जोर से कहना सही चीज है। और इसी तरीके से हमें यह देखना चाहिए कि किस तरीके से नमाज पढ़ी जानी चाहिए, जो कुरान और सही हदीस से मिलता है उस तरीके से हमें नमाज पढ़नी चाहिए। तो जिसकी जो फील्ड है उस फील्ड में उसको काम करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक एक तबीब थे, डॉक्टर थे, इंजेक्शन उक्शन लगाने वाले डॉक्टर, वो डिग्री होल्डर डॉक्टरेट नहीं, जो पीएचडी होते हैं वो नहीं है। उनको चाहिए था बेचारे, वो उधर तबीबी वबीबी करते और अंग्रेजी जुबान में माहिर थे, पता नहीं दुकान चली कि नहीं चली, सोचे यार इधर से नहीं तो इधर ही मार लो, मौलवियों का बड़ा चल रहा है मसला माशाल्लाह तबारक अल्लाह, खलास पलटी मारी उन्होंने और आ गए इस फील्ड में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम डॉक्टर जाकिर नाइक, वेलकम टू तबलीग इस्लाम, इंशाल्लाह ना भी मुश्किल, कोई हर्ज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त किया है। आप भी कोई मुसीबत अल्लाह तुम हिदायत दे और अल्लाह ताला उनके शर और फितने से और हमारे भी शर और फितने से अल्लाह उम्मत को महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। किसी के भी शर और फितने से अल्लाह हक की रहनुमाई करने की सबको तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है और अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फील्ड की बात है।
एक मुलाकात हुई थी डॉक्टर साहब से हमारी पाकोड़ कॉन्फ्रेंस में, मैंने उनसे कहा था कि डॉक्टर साहब आपकी जो फील्ड है माशाल्लाह तबारकल्ला उस फील्ड में काम करो, खामखा इधर इधर बढ़ने की क्यों मत कोशिश करो, ओलमा की फील्ड है ये तमाम सब मसाइल और फतावे, आप फतवे वतवे मत दो न फतवे की, जो मैंने उनको नसीहत की थी डॉक्टर जाकिर नायक को, शायद उन्हें ये शाहिद है, ये थे पाकोड़ कॉन्फ्रेंस में, हम नाश्ते की टेबल पे जमा हुए और वहां हमने तारुफ हुआ और वहां हमने बात करी थी। बहरहाल Assalamualaikum, my name is Sabah and I am a student. I would like to ask you a question, Zakir Bhai. A man will have hoor, that is beautiful maidens, when he enters paradise. What will a woman get when she enters paradise? The sister posed a question that when a man enters paradise, he will get who? That is a beautiful maiden. What will the woman get when she enters paradise? The Quran has mentioned the word hoor in no less than 4 different places. It's mentioned in Surah Dukhan, chapter number 44, verse number 54. It's mentioned in Surah Tur, chapter number 52, verse number 20. It's mentioned in Surah Rahman, chapter number 55, verse number 72, as well as in Surah Waqia, chapter number 46, verse number 22. And many of the translations, especially the Urdu translations, have translated the word hoor as beautiful maiden. If the word hoor means a beautiful maiden, it means a beautiful maiden, then what will the woman get in paradise? Actually, the word hoor is a plural for ahwar, which is applicable to the man, and hawar, which is applicable to the woman, and it signifies the characteristic of hawar, which means big, white, beautiful eye, and describes specially the whiteness of the eye. The similar thing is mentioned as Azwaj al-Mutahharin, many places in the Quran, in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 25, and Surah Nisa, chapter number 4, verse number 57, it says Azwaj al-Mutahharatun, which means companion, pairs. So the word hoor is rightly translated by Muhammad Asad as spouse, and also by Abdullah Yusuf Ali as companion. So hoor actually means a companion or a spouse. It has no gender. For the man, he will get a good lady with big beautiful eyes, and for a woman, she will get a good man with big beautiful eyes. I hope that answers the question. उस औरत ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब एक बंदा फौत हो गए जन्नत में जाएगा उसको जन्नत में क्या मिलेगा। डॉक्टर साहब फरमाने लगे जन्नत की बनी लड़की मिलेगी जिसको हूर कहते हैं। उन्होंने कहा जब औरत फौत हो गए जन्नत में जाएगी उसे क्या मिलेगा। डॉक्टर साहब फरमाने लगे उसे जन्नत का बना मर्द मिलेगा उसे भी हूर कहते हैं। मुजक्कर भी हूर है और मुअन्नस भी हूर है। पूछा दलील क्या है। कहते कुरान करीम में है हम इनकी शादियां हूर से करा देंगे। हूर आम है, मुअन्नस को भी कहते हैं, मुजक्कर को भी कहते हैं। मैंने कहा यार कैसा इल्म है तेरा भाई, जिसकी शादी करानी है वो हुम है और जिससे करानी है वो हूर है। तो हुम की शादी जिस हूर से कराएगा वो मुजक्कर कैसे हो सकता है। एक हुमना और एक हुम, हुन्ना तो कहते हैं मुअन्नस को और हम कहते हैं मुजक्कर को। तो हम का निकाह किससे कराना है, वो जन्नत है इंग्लैंड तो नहीं है। नहीं वो जन्नत है ना, वो लंदन तो नहीं है ना, ये लड़के का लड़के से निकाह करा दो। तो हम का निकाह जिस हूर से होगा वो मुअन्नस होगी या मुजक्कर। इंग्लैंड हो फिर तो आप कह सकते हैं भाई हम को हम से मिला दो, वहां तो हम हुन्ना से मिलती है, हम से हम नहीं मिल सकता। मेरी बात समझ आ रही है, तवज्जो रखिए।
मैं गलती कितनी बड़ी है। फिर जाकिर नायक ये इतना दुख होता है, कहते दूसरी आयत कुरान में देखो, हूर मकसूरात फिल खियाम, हूर आम है, मुजक्कर मुअन्नस दोनों को शामिल है। हमने कहा हूर की सिफत मकसूरात है कि वो हूर वो होगी जो खेमे में बंद रहती है, तो खेमे में बंद मर्दों को रखते हैं या औरतों को? कहते हूर बिल्कुल आम है, कुरान करीम देख लो। अच्छा फिर इसने ग्रामर की बात की है, कहते हूर जमा अहवर की है, फूल जमा अफल की है। अब ये मैं कॉलेज वालों कैसे समझाऊं? कहते हूर जमा अहवर की है, मैंने कहा भी फूल अफल की जमा नहीं होती, फूल तो जमा फोला की होती है। क्या नहीं ग्रामर देखो, ग्रामर भी सादिक आती है, न फकीर को ग्रामर आती है न फकीर को हदीस को पता है। आपने सुना होगा एक हदीस मुबारक में है, दुरूद पढ़ो क्यों? इसलिए कि ये हूर का हक महर है। हक महर मर्द को होता है औरत का होता है जी, औरतों का। तो फिर हूर मर्द को आप कैसे कहते हैं? अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। तो जिसकी जो फील्ड है उस फील्ड में उसको काम करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक एक तबीब थे, डॉक्टर थे, इंजेक्शन ऑप्शन लगाने वाले डॉक्टर, वो डिग्री होल्डर डॉक्टरेट नहीं, जो पीएचडी होते वो नहीं है। उनको चाहिए था बेचारे, वो उधर अपना तबीबी उबीबी करते और अंग्रेजी जुबान में माहिर थे, पता नहीं दुकान चली कि नहीं चली, सोचे यार इधर से नहीं तो इधर ही मार लो, मौलवियों का बड़ा चल रहा है मसला माशाल्लाह तबारकअल्लाह। खलास पलटी मारी उन्होंने और आ गए इस फील्ड में। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम डॉक्टर जाकिर नाइक, वेलकम टू तबलीग इस्लाम इंशाल्लाह, मैं भी मुश्किल कोई हर्ज नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त किया है। आप भी कोई मुसीबत अल्लाह तुम हिदायत दे और अल्लाह ताला उनके शर और फितने से और हमारे भी शर और फितने से अल्लाह उम्मत को महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। किसी के भी शर और फितने से अल्लाह हक की रहनुमाई करने की सबको तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है और अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फील्ड फील्ड की बात है। एक मुलाकात हुई थी डॉक्टर साहब से हमारी पाकोल कॉन्फ्रेंस में, मैंने उनसे कहा था कि डॉक्टर साहब आपकी जो फील्ड है माशाल्लाह तबारकअल्लाह उस फील्ड में काम करो, खामखा इधर इधर बढ़ने की क्यों मत कोशिश करो, उलमा की फील्ड है, ये तमाम सब मसाइल और फतावे आप फतवे होते मत दो न फतवे की। मैंने उनको नसीहत की थी डॉक्टर जाकिर नायक को, शायद उन्हें ये शाहिद है, ये थे पाकोड़ कॉन्फ्रेंस में, हम नाश्ते के टेबल पे जमा हुए और वहां हमने तारुफ हुआ और वहां हमने बात करी थी। बहरहाल डॉक्टर जाकिर नायक साहब कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला को विष्णु और विधाता कहने में कोई हर्ज महसूस नहीं होता, क्योंकि लोग अल्लाह को खुदा भी कहकर पुकारते हैं, तो इससे कोई बुराई नहीं है, बराह करम हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। क्या ये यही अकल परस्ती है? इसी को कहते हैं अकल परस्ती। आदमी के पास जिस चीज का इल्म हो उस आदमी को वही बात बोलनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया ला तख्फ मा लैसा लका बिही इल्म, जिस बात का तुम्हें इल्म नहीं है उसके पीछे मत पड़ो। तुम्हारा जो दायरे कार है उस दायरे में रहो। एक किसान का दायरे कार खेती है, खेती के बारे में वो बताए। एक मजदूर का काम मजदूरी हो, वो मजदूरी के बारे में बताए। एक डॉक्टर का काम इंजीनियर नहीं कर सकता ना, एक इंजीनियर का काम डॉक्टर कर सकता है कि नहीं? डॉक्टर का काम इंजेक्शन लगाना और जिस्म को देखना और बुखार और सर्दी जुकाम और दीगर अमराज की तशखीस करना है और उसका इलाज करना है, लेकिन उसे एक आप पेपर और कलम दे दोगे तो हमारी इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना के खड़ा कर दो, बेचारे को क्या मालूम। तो अर्ज करने का मतलब है जो जैसा होता है उससे उस तरह के सवाल, और उसको चाहिए कि उसी अंदाज का वो जवाब। जिसकी जो फील्ड है उस फील्ड में उसको काम करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक एक तबीब थे, डॉक्टर थे, इंजेक्शन ऑप्शन लगाने वाले डॉक्टर, वो डिग्री होल्डर डॉक्टरेट नहीं, जो पीएचडी होते वो नहीं है। उनको चाहिए था बेचारे, वो उधर अपना तबीबी उबीबी करते और अंग्रेजी जुबान में माहिर थे, पता नहीं दुकान चली कि नहीं चली, सोचे यार इधर से नहीं तो इधर ही मार लो, मौलवियों का बड़ा चल रहा है मसला माशाल्लाह तबारकअल्लाह। खलास पलटी मारी उन्होंने और आ गए इस फील्ड में। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम डॉक्टर जाकिर नाइक, वेलकम टू तबलीग इस्लाम इंशाल्लाह, मैं भी मुश्किल कोई हर्ज नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त किया है। आप भी कोई मुसीबत अल्लाह तुम हिदायत दे और अल्लाह ताला उनके शर और फितने से और हमारे भी शर और फितने से अल्लाह उम्मत को महफूज रखे। Death penalty for a person who changes the faith from Islam. But as I told you, in Islam, the standard rule is not death penalty for a Muslim who changes his faith to any other religion. Hope that answers the question. हमारे मजहब इस्लाम में पैंट और शर्ट पहनना कैसा है, जायज है या नहीं? देखिए,
لباس کے بارے میں امام الانبیاء کا فرمان ہے، ایسا لباس نہ پہنو جس سے انسان کا جسم، انسان کا ننگ ظاہر ہو، انسان کا وجود، اس کے باڈی پارٹس واضح ہوں، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے. اگر کوئی کھلی پینٹ پہنتا ہے، بیگی پینٹ پہنتا ہے، جس سے رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے اس کا جسم نمایاں نہیں ہوتا. پینٹ پہننے والا جب رکوع میں جاتا ہے تو درزی اگر پیچھے کھڑا ہوگا تو انچی ٹیپ کے حساب سے بتا دے گا یہ اتنے انچ کی ہے اور یہ اتنے انچ کی ٹانگ ہے اس کی. ہیں یہ لباس منع ہے. آپ بیگی پینٹ پہنے، شرٹ جو پہنے اس کو پینٹ کے اندر دینے کی بجائے باہر نکالے، آپ کی شرٹ گھٹنوں تک کی ہو، آپ کی شرمگاہیں چھپی ہوئی ہو. لباس میں آزادی ہے لیکن کفار سے مشابہت کرنا منع ہے، اور ایسا تنگ لباس، ٹائٹ لباس پہننا منع ہے کہ سڑک پہ جاتے ہوئے دور سے کوئی پانچویں کلاس کا بچہ دیکھے تو 11 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ لباس منع ہے. ایسا I agree with you for sake of argument that Almighty God can do anything and everything. If I agree with you for sake of argument, Almighty God can do anything and everything. In that same argument, Almighty God can even tell a lie. If I agree with you, God can do everything. God Almighty can even be unjust. Nowhere in the Quran it is mentioned that God can do everything. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Nowhere in the Quran it is mentioned that God can do everything. If Almighty God wants, He can forget. If Almighty God wants, He can make a mistake. But to make a mistake is ungodly.